भाजपा के चंडीगढ़ ऑफिस में हत्या की धमकी का लेटर भेजा गया है, जिसमें भाजपा के चार बड़े नेताओं को जान से मारने की धमकी मिली है। ये चार नेता पंजाब से हैं और सिख हैं। लेटर के साथ कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी भेजा गया है। लेटर में भाजपा नेताओं को चेतावनी दी गई है कि वे भाजपा छोड़ दें या फिर दुनिया छोड़ दें। लेटर में खालिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए हैं। जिन नेताओं को धमकी मिली है उनमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा, भाजपा सिख समन्वय समिति व राष्ट्रीय रेलवे कमेटी के सदस्य तजिंदर सिंह सराह और भाजपा महासचिव परमिंदर बराट शामिल हैं। इसके अलावा इसमें भाजपा के प्रदेश संगठन महासचिव श्रीनिवासालू का नाम भी है। धमकी भरा लेटर मिलने के बाद बीजेपी नेताओं ने इस बारे में चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने पत्र में मिली सामग्री को जांच के लिए भेज दिया गया है। तजिंदर सिंह सराह ने कहा कि आज वे इस मामले में पंजाब और चंडीगढ़ के डीजीपी से मिलने जा रहे हैं। भाजपा नेता परमिंदर सिंह बराड और तजिंदर सिंह सराह को लिखा गया है कि हमने पहले भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आपको चेतावनी दी थी कि आप लोगों ने अपने सिर पर पगड़ी बांध रखी है। आप बीजेपी और आरएसएस के साथ मिलकर सिखों और पंजाब के लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप आरएसएस के साथ सिख मामलों में दखल दे रहे हैं। हमने आपको पहले भी चेतावनी दी थी, आप या तो बीजेपी छोड़ दें या हम आपको इस दुनिया से उठा देंगे। लेटर में लिखा है कि आपने बीजेपी के साथ मिलकर किसान आंदोलन को तोड़ने का काम किया है। आप सिख धर्म के गद्दार हैं। आप बीजेपी आरएसएस की मदद से पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पत्र के आखिर में खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, हरदीप निज्जर जिंदाबाद, अवतार सिंह खंडा जिंदाबाद, परमजीत सिंह पंजवट जिंदाबाद, मौलाना रहीम उल तारिक जिंदाबाद, वीर बशीर अहमद जिंदाबाद, मौलाना जी आर रहमान जिंदाबाद लिखा गया है।